वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निकिता। और टाइटल से आपको पता चल ही गया है कि आज का वीडियो एक अजीब हॉल होने वाला है जिसमें टॉप कुर्ती फॉर्मल वेयर पैंट सब कुछ होने वाला है। तो मैंने चैनल में ऑलरेडी मैंने अपने तीन अजीब हॉल किया हुआ, एक है कुर्ती हॉल, एक है फुटवेयर हॉल और एक है मिक्स जिसमें टॉप पैंट कुर्ती वगैरह सब कुछ है। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इसको देखने के बाद जरूर से वो सब चेकआउट करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये भी पूरा मिक्स है, मिक्स हॉल है। तो सबसे पहले है मेरे पास ये एक टी शर्ट, ये है बॉक्सी फिट में आता है, ये है ब्रांड मार्बल से बाय ट्रेंड्स। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये कॉटन है। अगर आपने मेरा पावना वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने ये वाला टी शर्ट वहीं पर पहना था, बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड इसे मैंने पिक किया है 250 की रेंज में। आप अजियो में आप अगर बल्क शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत ऑफर मिल जाएंगे, जो ऑफर होते हैं वो नीचे ही रन होते हैं, तो ये मैंने 250 में पिक किया है। सो बढ़ते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ। तो सेकेंड प्रोडक्ट एक ऐसा टॉप टाइप का है जो कि ऐसा एथनिक टॉप है, ये बहुत बड़ा है, इसकी साइज अभी तक आई नहीं है, ये एक्सेल पे मैंने पिक किया बट मुझे एल आएगा, एल पे पिक किया है क्योंकि एल साइज अवेलेबल नहीं था। तो मैं वेट कर रही हूँ, अगर एल आता है तो मैं एक्सचेंज कर लूँगी और अगर एक महीने के अंदर एल नहीं आता है तो मैं फिर इसको ऑल्टर करवा के पहनूंगी। तो ये मैंने पिक किया है 200 के रेंज में। इसकी MRP तो कुछ 600 रुपीज है बट मुझे ये 200 की रेंज में मिला है। आप ऐसा देख सकते हैं इसमें ऑल ओवर प्रिंट है, गोल्डन एंड सिल्वर कलर की है, पीछे से बटन डिटेलिंग है। एंड ये जो बटन डिटेलिंग है आप देख सकते हैं ये खुलती नहीं है, बस इसमें ऐसे ही है, तो ये पहनने से बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसे दो कलर पे अवेलेबल है, एक ब्लैक एंड एक रॉयल ब्लू, तो मैंने रॉयल ब्लू पिक किया है। थर्ड है एक येलो कलर का टॉप, ये है ब्रांड फ्रिक से। ये भी साइज इसकी बहुत अच्छी है, इसकी स्लीव जो है ये बलून स्लीव टाइप की है, कॉटन मटेरियल की है। एंड इसकी भी MRP कुछ 600 रुपीज की थी बट मैंने इसको 150 या 200 के रेंज में पिक किया है। एंड इसमें आगे से ऐसी डिटेलिंग है, ऐसा नेक डिटेलिंग आप देख सकते हैं, बांधने का है आगे से। एंड ये लॉन्ग टॉप में आता है, तो अगर जिन लोगों को लॉन्ग पहनना पसंद है तो आप इसे जरूर ताकि आपको फिगर अच्छा दे। एंड इसकी फ्लेयर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा फ्लेयर है। मेरे पास है ये एक पैंट, ये ऐसा बॉक्सी फिट में पैंट आता है जो कि आप नॉर्मल वेयर या बीच वेयर आप कहीं पर भी इसे पहन सकते हैं। गर्मियां आ रही है तो आप नॉर्मल इसे बाहर भी पहन सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड कलर तो बहुत ही अच्छा है, ये ब्लश पिंक कलर है। इसमें ऐसा 4 पॉकेट डिटेलिंग आती है, आप देख सकते हैं दोनों साइड है, पीछे भी आती है। तो ये है ब्रांड प्रोजेक्ट ईस्ट से, ये ब्रांड प्रोजेक्ट ईस्ट से है। एंड इसकी MRP तो 620, इसकी MRP तो 1300 है बट मैंने इसे 350 की रेंज में पिक किया है क्योंकि मेरे पास एक 500 रुपीज की कूपन थी तो मैंने उसको अप्लाई करके ये वाला मुझे कम पड़ गया। तो ये साइज 30 है, आपको और भी साइजेस 34 तक साइजेस अवेलेबल है। एंड इसकी मटेरियल बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल है, कॉटन मटेरियल है। करते हैं फॉर्मल वेयर पे, तो फॉर्मल वेयर में मेरे पास दो शर्ट है एंड एक ट्राउजर्स है जो कि पैंट है। तो सबसे पहले ये शर्ट है, ये एक लाइट पिंक कलर में फॉर्मल शर्ट है
जो कि ब्रांड है फिग से एंड मैंने पिक साइज पिक किया है मीडियम। तो ये फुल ऐसे है एंड ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है, अच्छा दिखता है, हल्का हल्का इसमें लाइनिंग नहीं बट ऐसा पैटर्न है जो कि थ्रेड से, तो ऐसा दिखता नहीं आप देख सकते हैं, लेकिन ये पहनने से बहुत ही अच्छा दिखता है। फिर सेकेंड है मेरा, सेकेंड फॉर्मल शर्ट है मेरे पास एक वाइट कलर का, जो कि मैंने अपने फ्रेंड के लिए खरीदा था बट ये इसकी साइज अवेलेबल नहीं है तो ये मैं एक्सचेंज के लिए वेट कर रही हूँ। ये वाइट कलर की है, आप देख सकते हैं सेम है, ये पिंक एंड ये वाइट है, सेम सब कुछ सेम है, ये एक्सल साइज में है। मैं इसकी साइज का वेट कर रही हूँ जो कि उसने बोला था मेरे लिए ऑर्डर करने को। इसकी टैगिंग प्राइस तो 800 है बट ये आपको 400 की रेंज में मिल जाती है 50% ऑफ, सो इसलिए मैं इसको खोल के नहीं दिखा रही हूँ, इसको एक्सचेंज पे डाला हुआ है, वो कुछ दिन में आ जाएगा। एक फॉर्मल पैंट जो कि मैंने अजियो से ही खरीदा है, ये भी ब्रांड फिग से है, आप देख सकते हैं ऐसा एक हाई वेस्ट पैंट है, बहुत ही कंफर्टेबल है ये, बहुत ही कंफर्टेबल है। नीचे से जो है आपको ऐसे डिटेलिंग मिल जाती है, कट डिटेलिंग देख सकते हैं, ताकि वो जो फ्लेयर आता है लेग्स में वो बहुत अच्छा दिखता है। ये प्रॉपर एक हाई वेस्ट है, इसकी जो ये हाइट है बहुत ज्यादा है, इसमें पॉकेट डिटेलिंग के साथ आती है एंड इसमें बेल्ट के लिए भी ऑप्शंस है, तो आप इसमें बेल्ट भी आराम से लगा सकते हैं। तो ये मैंने पिक किया है 700 की रेंज में, इसकी मटेरियल बहुत अच्छा है, इसकी ओरिजिनल प्राइस 1600 है बट मुझे ऑफर में 700 ड्रॉप्स पड़ी थी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे पास दो कुर्तियां है, एक कुर्ती टॉप है एंड एक प्रॉपर कुर्ती है जो कि मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड की है, मेरी रूममेट की है, तो मैंने बोला कि मुझे दे दे, मैं ये वीडियो पे ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक पिंक कलर की बांधनी प्रिंट में एक हाई लो कुर्ती टॉप है, ऐसा लेंथ इसकी काफी अच्छी है, ये पीछे से बहुत लंबी है, बेल्ट डिटेलिंग के साथ आती है, 2 inch ऑफ बेल्ट, 2 inch ऑफ वेस्ट, ऐसा राउंड नेक है, ये भी कोई ब्रांड अनुतारा से है, इन द साइज मीडियम। इसकी MRP 1000 rupees है बट आई थिंक उसने 300 समथिंग में पिक किया है। ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, इंडियन वेयर टाइप है ये, फुल स्लीव्स के साथ आती है। मेरे पास एक कुर्ती है, लॉन्ग कुर्ती जो कि मटेरियल थोड़ा सा ऐसा पॉलिस्टर मटेरियल है, ये भी कोई ब्रांड इसकी MRP 1800 rupees है बट आई थिंक उसने ये 600 समथिंग की रेंज में पिक किया है। ऐसा फुल गाउन आता है, इसकी फ्लेयर भी काफी अच्छी है एंड इसकी जो पैटर्न आप देख रहे हैं कि लेंथ में है, तो जब कोई भी पैटर्न ऐसा लेंथ में रहता है तो हाइट उससे ज्यादा लगती है, तो ये एक अच्छी है। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो तो हमेशा ट्राई करना कि लेंथ वाले प्रिंट ज्यादा पहने, तो उससे हाइट जो होती है वो ज्यादा लंबी दिखती है। सो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है थोड़ा भी, तो ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इतना देख लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए, उसी के बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आ जाए आपको। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।